हमारा हाउस द जोश का सिलसिला चालू है, सो कल के वीडियो के बाद इस वीडियो में भी जोश होने वाला है। आप सब तैयार हो? सो ऑन द काउंट ऑफ थ्री हाउस द जोश, आप मुझे आंसर करो, ठीक है? 1, 2, 3 हाउस द जोश, हाउस द जोश, और जोर से लास्ट टाइम हाउस द जोश, ऑसम। फ्रेंड्स, सो ये केट्स पॉइंट है और वहाँ तभी के जब ब्रिटिश गवर्नर थे मालकॉम करके, तो उनके डॉटर के नाम पे इसको नाम पड़ा है केट्स पॉइंट। बट इसका ओरिजिनल नाम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इज नेके खिंड। और यहाँ से आप नीचे देख रहे हो वो धोम डैम का पार्ट है, और यहाँ से कृष्णा रिवर वैली पॉइंट भी दिखता है, नीडलेस होल पॉइंट करके एक है वो भी दिखता है, एंड कमलागढ़ फोर्ट है और एक डैम है। तो यहाँ पे यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है और द व्यू हियर इज एंटायरली ऑसम। तो आप देखते हो मेरे वीडियो में मैं वहाँ के लोगों को जाता हूँ और पूछता हूँ कि कैसे लग रहा है ये प्लेस, कैसा है ये वो, बट थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं गेम में। मैं मेरे साथ जो है उनको ही पूछने वाला हूँ यहाँ पे कैसे लगता है, कैसे तो कैसे लग रहा है तुमको महाबलेश्वर में? अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और व्यू है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा नेचुरल। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये तुम्हारे लैंग्वेज में चाहिए भाई, बोलो। एकदम झकास, मजा आ गया, जोर से बोलो, एकदम झकास, मजा आ गया। ये समय ओडिया लैंग्वेज में सुनेंगे हम, मस्त लगी, मस्त अच्छी, आओ देखिए भाई, बहुत नॉलेज इनसे मिली थी तो बहुत खुशी लगी ऐसी की। अरे वाह, क्या बात है, दैट मींस कि बहुत मस्त है और मजा आ रहा है यहाँ पे। और एलिफेंट हेड पॉइंट, तो यहाँ से आपको नीडल का होल भी दिख रहा है और एलिफेंट का हेड भी दिख रहा है। वीडियो है वो यहीं पे केट्स पॉइंट पे एंड करता हूँ, अपना हाउस जो सिलसिला चालू रहेगा। सो एक बार जोश बता के इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। सो ऑन द काउंट ऑफ थ्री वी यू आंसर मी, ओके? 1, 2, 3 हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। खत्म कर रहा हूँ केट्स पॉइंट पे। सो इसके बाद क्या हो रहा है उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। आपको अगर मेरे से कुछ और चाहिए, आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाऊँ, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करो।